दोस्तों हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि PUBG मोबाइल और PUBG मोबाइल लाइट इंडिया में कब लॉन्च होगा, इसका लॉन्चिंग डेट क्या है और कब हम जो है अपने फोन में इसको खेल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे बैक टू बैक इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से जो है छक्का मार दिया है, क्योंकि 43 एप्लीकेशन जो है चाइनीज एप्लीकेशन को फिर से बैन कर दिया गया है इंडिया में। तो आइए इस वीडियो में हम इन सारे 43 एप्लीकेशन के ऊपर नज़र डालते हैं एक बार, कौन कौन सा एप्लीकेशन बैन हुआ है। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन हैं दोस्तों, और टिकटॉक का भाई या बहन कह लो, स्नैक्स वीडियो का नाम भी जो इसमें शामिल है। तो आइए एक नज़र डालते हैं इन सारे लिस्ट के ऊपर। यहाँ पे एक बात तो अच्छी है दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट जो है साइबर क्राइम के ऊपर जो है काफ़ी अच्छे से नज़र रखे हुए है, और काफ़ी अच्छे से जो है इन सारे कचरे एप्लीकेशन के ऊपर जो है नज़र रखे हुए हैं और इनको जो है धीरे धीरे बैन किया जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं इन सारे एप्लीकेशन बैन के ऊपर, क्या ये सारे एप्लीकेशन जो बैन हुआ है ये बैन होना सही है या फिर नहीं, बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी बता देना नीचे कमेंट्स में। और दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और इस वीडियो को दोस्तों याद से शेयर करना मत भूलना, फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं। तो बस दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।